मैं कुकर में साबुत कटहल उबाली हूँ, देख सकते हैं। तो हमने कुकर में साबुत कटहल उबाली हूँ, तो देख सकते हैं सिझ गया है। और मैंने छीली भी नहीं है इसको, अब मैं छीलूँगी भी और कट भी करूँगी। तो मैंने आलू भी इसी में डाल के उबाल लिया था। देख सकते हैं मैं अभी काट काट के आपको दिखाऊंगी और छील के भी दिखाऊंगी आपको। चाहे तो हम जितना पीस काटना चाहते हैं काट सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, छोटा बड़ा सब काट सकते हैं इसमें। चलो देख लीजिए कितना आसानी से ये कट रहा है, हमें छीलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम कच्चे में छीलते हैं वो हमें नहीं जरूरत है, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से निकल गए। अब इसे हम छिलका भी उतारेंगे बिल्कुल ही आसान तरीका से, देखिए बिल्कुल टूटेगा फूटेगा नहीं, अब बर्बाद भी नहीं होगी सब्जी और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए कितना अच्छा से छिला गया है। चाहे तो हम इसको ऐसे काट भी सकते हैं, हम चाहे तो हाथों से छील भी सकते हैं और काट भी सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। देखिए कितना साफ सुथरा हुआ है। बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है ये। चाहे तो हम जैसे पीस काटना चाहते हैं कट जाएगा ये। कितना आसान तरीके से कट गया, ऐसे कर करके हम सारे को काट लेंगे। जैसे हम काम में व्यस्त है तो हम ऐसे ही उबाल लिए थे, बिल्कुल ही एकदम टाइम नहीं लगता है। मैंने कटहल को छील लिया है, देखिए बिल्कुल कितनी अच्छी तरह से छिलाया है, देखिए एक तो भी टूटा भी नहीं है और देखिए कितना अच्छा से छिलाया है। मैंने उबाल के आज छील ली है, देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ सुथरा हो गया है। और आलू तो हमने छील ही लिया है और साथ में मैंने उबाली थी लहसुन टमाटर और प्याज, तो हम तड़का के इसको यूज करेंगे। मैं उसी का पानी डालूंगी जो क्योंकि मैंने अलग से उबाली थी, ये छिलका मैं हटा लूंगी, ये छिलका हटा लूंगी और साथ में ये लहसुन भी कट जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये निकल गया, हम ऐसे करके इसके सारे निकाल लेंगे, मैं छीलने की कोई रुक नहीं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो हम ऐसे ही करके सबको निकाल। आज हम कुकर में कटर के सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने कुकर चढ़ा लिया है चूल्हे पर और तेल भी गरम कर लिया है। अब हम तेज पत्ता डालेंगे, तड़के के लिए तेज पत्ता और हम जीरा के तड़का देंगे। अब ये हमारा तड़का जल गया है, तो हमने निकाल लिया है टमाटर जो हमने उबाली थी और लहसुन का पेस्ट सब इसी में मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे, हमने जो लहसुन प्याज लहसुन वो हमारा अच्छी तरह से भिजा दिया है और मसाला को मैंने जुगाड़ कर लिया है। साथ में मैं नमक भी ऐड कर दे रही हूँ,
हमारा मसाला भी तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से मसाला को भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसमें, कलर ही बहुत ही अच्छा आता है इसमें, स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। कभी भी बना कर देखिए, जैसे मैं बना के आपको बता रही हूँ, बना कर देखिए, कभी भी सब्जी खराब नहीं होता है। मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दे रही हूँ, उससे स्वाद तो पता ही है। आप ना भी डाले गरम मसाला तो भी अच्छा लगता है, जिस हिसाब से मैं बनाती हूँ। एकदम बिल्कुल मटन की खुशबू आ रही है। कभी भी आप बना कर देखिए, जैसे कि मैं बनाती हूँ उसी प्रकार आप बना कर देखिए, देखिए इतनी अच्छी लगती है खाने में कि आपको सब्जी से कभी मन ना हो। हम इसको अच्छे तरह से भून लेंगे। देख सकते हैं ये मसाला बिल्कुल ही अच्छे तरह से भुजा गया है और साथ में तेल भी छोड़ दिया है। तो अभी हम कटहल और आलू दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करके हम सिर्फ स्वाद के लिए सिर्फ एक सीटी लगा देंगे। अच्छा रहे, क्योंकि जो कुकर के स्वाद आती है सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा आती है, और वही फिर इसका तो कुछ अलग ही टेस्ट, बहुत ही अलग टेस्ट आती है। कभी भी आप बनाइए। डाल लिया है कुकर में, तो हम उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने सीटी लगा ली है, देख सकते हैं बिल्कुल मैंने सूखा सब्जी बनाई है। मैं सब कुछ अच्छी तरह से बन गया है। आइए मैं आपको खाने के लिए निकाल ले रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है।